बच्चों, मैं हूँ आपका डीजे सर एहसन। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल स्टडी। तो प्यारे बच्चों, आज हम 7 क्लास का दूसरे चैप्टर का दूसरा लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक होगा पाकिस्तान में सनती तरक्की की तारीख। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम सोशल स्टडी समझ लें सोशल स्टडी का है। प्यारे बच्चों, अगर सिंपल वर्ड में सोशल स्टडी को समझा जाए तो हम कहेंगे द स्टडी ऑफ मैन एंड इट्स एनवायरमेंट, इंसान और इंसान के इर्द गिर्द मौजूदा माहौल के बारे में मालूमात हासिल करना। उसमें आबोहवा भी आ सकती है, उसमें आपके गिर्द का माहौल भी आ सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमारे टॉपिक है जिसे स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है पाकिस्तान में सनती तरक्की की तारीख। सनती तरक्की की तारीख यानी पाकिस्तान में जो सनती तरक्की हुई, तारीख में यानी जब पाकिस्तान बना उस ज़माने में जो सनती तरक्की हुई। सनती तरक्की समझे नहीं ना, सनती जो लगना शुरू हुई, सनतों में जो काम होने शुरू हुआ, सनती जो लगाई गई उसकी तारीख क्या है। पाकिस्तान में सनती किस तादाद में मौजूद थी, फिर ज़्यादा तादाद में आके और कितनी तादाद में हो गई, फिर कौन कौन सी सनतें कायम की गई, सही है, किस तरह से सनतों को और ज़्यादा तादाद में बढ़ाया गया, तमाम चीज़ें हम इसमें स्टडी करने जा रहे हैं। जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त कितनी सनतें मौजूद थी, अब इतनी सनतें मौजूद हैं, ये तमाम चीज़ें हम इसमें स्टडी करने वाले। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से पेज नंबर 16 से लेके 20 तक जल्दी से वीडियो पॉज करें और इसे रीड कर लें, ताकि जब आप ये रीड करें, जब आपको मैं समझाऊं तो आपको तमाम बातें क्लियर हो जाए। जल्दी से रीड कर लें। ठीक है, रीड कर लिया आप लोगों ने। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके अंदर पहले पेज पे इसकी तारीख में 1947 में जो है वो सनतों की तारीख बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, यानी सनतों की बुनियादें बहुत कमज़ोर थी। सनत की बुनियादें बहुत कमज़ोर थी। जो सनत है उसकी बुनियादें क्या थी प्यारे बच्चों, बहुत ही कमज़ोर थी। क्लियर हो गई बात? कब? 1947 में जब पाकिस्तान का क़याम वजूद में आया, तो उस वक्त सनतों की बुनियादें बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थीं, यानी सनतें बहुत ही कम तादाद में मौजूद थीं पाकिस्तान में। क्लियर हो गई बात? ठीक है प्यारे बच्चों, जब हिंदुस्तान मौजूद था, कब? जब हिंदुस्तान मौजूद था, यानी पाकिस्तान वजूद में नहीं आया था, तो पूरे हिंदुस्तान में यानी आपके बर्रे सगीर में कितनी सनतें मौजूद थी, कितनी तादाद में सनतें मौजूद थी, उसमें से इंडिया के पास कितनी गई और पाकिस्तान के पास कितनी आई। तो प्यारे बच्चों, पूरे इंडिया में 921 बड़े सनती इदारे थे। पूरा जो हिंदुस्तान है, पूरा जो बर्रे सगीर है, पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले पूरे बर्रे सगीर में जो आपके अंग्रेज़ों ने इदारे कायम करवाए थे, वो कितने करवाए थे? 921 बड़े सनती इदारे थे। उसमें आपका पटसिन का भी इदारा था। पटसिन जो है वो एक किस्म की धात है, उससे क्या होता है, आपके पुराने ज़माने के घी के डब्बे हुआ करते थे, स्टील वाले, अब तो प्लास्टिक की बाल्टी आती है जिसमें घी आता है, लेकिन उससे पहले आपके जो घी के डब्बे आते थे जी, जिसके अंदर घी मौजूद होता था, स्टील की तरह जो होता था, वो जो धात कहलाती है, वो धात क्या कहलाती है? पटसिन कहलाती है। क्या कहलाती है? पटसिन। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, जब हिंदुस्तान वजूद, जब बर्रे सगीर था, पाकिस्तान वजूद में नहीं आया था, तो उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में बर्रे सगीर में कितने बड़े इदारे थे? 921 सनती इदारे मौजूद थे। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड प्यारे बच्चों। लेकिन जब पाकिस्तान वजूद में आ गए, कब? जब पाकिस्तान वजूद में आ गया 1947 में, तो पाकिस्तान के पास उसमें से कितने इदारे और इंडिया के पास कितने इदारे गए? प्यारे बच्चों, जो आपके अंग्रेज़ थे वो सपोर्टर थे हिंदुओं के, ज़्यादातर जो है वो हिंदुओं के साथ जुल्म सितम नहीं किया करते थे, बल्कि ज़्यादा जुल्म सितम किया करते थे मुसलमानों के साथ, क्योंकि 1857 की जंग आज़ादी हुई थी, उसमें जो है वो कसूरवार मुसलमानों को ये समझते थे कि भाई मुसलमानों की वजह से जंग आज़ादी हुई है, और सारा जो ब्लेम है वो मुसलमानों के ऊपर डाल दिया था, मुसलमानों पर जुल्म सितम किया करते थे। इसी वजह से जो है पाकिस्तान में जो है वो कम सनती इदारे मौजूद हैं। ज़्यादातर तादाद में किसके पास गए हैं? ज़्यादा तादाद में इंडिया वालों के पास जो है वो सनती इदारे गए हैं। तो प्यारे बच्चों, कितने सनती इदारे मौजूद थे पाकिस्तान में जब पाकिस्तान वजूद में आया? तो प्यारे बच्चों, सिर्फ 34 सनती इदारे पाकिस्तान के हिस्से में शामिल हुए। कितने इदारे?
34 सनती इदारे पाकिस्तान के हिस्से में शामिल हुए। अगर इन 921 इदारों से बात करेंगे कितने परसेंट इदारे पाकिस्तान के अंदर शामिल हुए, तो प्यारे बच्चों वो आपके पास सिर्फ 4% पाकिस्तानियों के हिस्से में आए। कितने फ़ीसद है? 4% सिर्फ पाकिस्तानियों के हिस्से में आए। ठीक है प्यारे बच्चों, बात समझ में आई? यानी ज़्यादा तादाद में इदारे किसके पास चले गए? सिर्फ 4% जो है वो पाकिस्तान के पास आए, और उसमें से जो आपके 96% है वो किसके पास चले गए? आपके जो इंडिया वाले थे, हिंदू थे, उनके पास, ये हिंदुस्तान जो था, इंडिया था, उसके पास बाकी के इदारे जो है वो चले गए तकसीम के वक्त। सिर्फ पाकिस्तान के पास तकसीम के वक्त सिर्फ 34 सनती इदारे जो है वो सिर्फ बचे थे। बात क्लियर हो गई आप लोगों को? वेरी गुड। ठीक है प्यारे बच्चों, जब इन लोगों को पता चल गया कि पाकिस्तान जो है वो सनती लिहाज से, सनती तरक्की की लिहाज से बहुत ही ज़्यादा दूसरे ममालिक से बहुत ज़्यादा पीछे, तो प्यारे लोगों ने जो है तरक्की की लिहाज से जो है वो काम करना शुरू कर दिया। तो प्यारे हम किस तरह से किया, किस सन में क्या क्या काम किया, वो तारीख हम जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों जल्दी से जो है वो पेज नंबर 16 पे जो तारीख दी गई है वो तमाम बच्चे देख लें। तो उसमें जो आपकी पहली है वो 1947 की है। कब की है? 1947 की। तो प्यारे बच्चों 1947 में क्या हुआ था? 1947 के बाद क्या हुआ था सनती इदारों के साथ? 1947 के बाद जी, तो 1947 के बाद मुल्की मईशत की तरक्की में सनतों का हिस्सा, मुल्की मुल्की मईशत की तरक्की में मुल्की मईशत की तरक्की में सनतों का हिस्सा सिर्फ 7% पहुंच गया, 7% ठीक है। जब पाकिस्तान वजूद में आया तो 4% था, लेकिन लोगों ने जो काम करने शुरू किए हुकूमती इदारों के ज़रिए, सरमायाकारी वगैरह की बहुत ज़्यादा तादाद में, जिसकी वजह से सनतों की तरक्की को कयाम, सनतों की तरक्की का कयाम अमल में लाया गया, जिसकी वजह से मुख्तलिफ की सनतें जो है वो यहाँ पर लगाई गई, और वो 4% से बढ़ के कितना फ़ीसद पहुँच गया, सनतों का जो हिस्सा है वो कितना फ़ीसद पहुँच गया? आपका 7% पहुँच गया। तमाम बच्चों को बताइए। ठीक है, तो 1947 के बाद इन लोगों ने ये काम किया था कि इन्होंने जो है मुल्की मईशत की तरक्की में सनतों का हिस्सा 7% तक पहुंचा दिया था, सरमायाकारी की थी और बहुत सारे काम किए थे। तो प्यारे बच्चों 1947 के बाद ये हो गया था, लेकिन 1950 से लेके 1960 के दरमियान में उन्नीस सौ पचास से लेके 1960 के दरमियान में क्या हुआ था प्यारे बच्चों? 1950 से 1960 के दरमियान में कारोबारी लिहाज से जो पाकिस्तान था वो बहुत ही ज़्यादा पीछे था। तो जो आपके सरमायाकार थे, आपके सनतकार थे, जो बड़े बड़े लोग थे, सनतों में पैसा इन्वेस्ट करते थे, उन तमाम के तमाम लोगों ने सनतों में भारी तादाद में जो है वो पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया, और हुकूमत की पाकिस्तान की तरफ से एक इदारा कायम किया गया 1952 में, जिस इदारे का, उस इदारे का नाम था सनती तरक्याती कारपोरेशन। इसने जो सनतों में बड़ी तादाद में जो है वो पैसे इन्वेस्ट किए, सरमायाकारी में जो सरमायाकारी की बहुत ही ज़्यादा तादाद में पैसे इन्वेस्ट किए, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इदारों का कयाम अमल में आया, और मुल्की मईशत की तरक्की में सनतों का हिस्सा जब 12% पहुँच चुका था। कितना पहुँच चुका था? सही है,
सनअती तरक्की में जो है वो इनका फीसद कितना हिस्सा पहुँच चुका था, 12% हिस्सा पहुँच चुका था। किस वजह से 1952 में जो इन्होंने सनअती तरक्की कॉरपोरेशन कायम की थी उसकी वजह से जो है वो इसका जो है वो हिस्सा सनअती तरक्की में इसका हिस्सा फीसद हिस्सा जो है वो 12% जो है वो पहुँच चुका था किसके तहत, 1952 में सनअती सनअती क्या कायम की गई थी प्यारे बच्चों, सनअती तरक्कियाती कॉरपोरेशन की बुनियाद डाली, तरक्कियाती की बुनियाद डाली। इस बुनियाद के तहत ज़्यादा तादाद में सरमायाकारों ने सनअतकारों ने बहुत ही ज़्यादा तादाद में पैसे इन्वेस्ट किए और सनअतों का जो हिस्सा है वो 7% से बढ़ के कितना हो गया, 12% हो गया। 1950 से 1960 के दरमियान में कितना फ़ीसद हिस्सा हो गया, 12% हिस्सा हो गया। तमाम बच्चों को बात समझ में आई, ठीक है। तो 1950 से 1960 के दरमियान में आपको समझ में आ गया। इसके बाद 1960 के बाद 1961 से 1970 के दरमियान 1961 के दरमियान जो वाकयात पेश आए जिसमें सनअतों का किरदार रहा वो हम जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। तो देख लीजिए तमाम बच्चे कि क्या रहा, सियासी इस्तेकाम का हामिल रहा, सियासी इस्तेकाम का हामिल रहा। इसके अलावा सनअतों की कारकर्दगी में इजाफा हुआ, सनअतों की कारकर्दगी में इजाफा हुआ। बात समझ में आया आप लोगों को कि यह जो दौर था 1961 से 1970 के दरमियान का, इसमें सियासी इस्तेकाम कामिल रहा, यानी सनअतों ने बहुत ही ज़्यादा तरक्की की। इसके अलावा सनअतों की कारकर्दगी में और ज़्यादा इजाफा हुआ, यानी पहली दफ़ा 1961 से 1970 के दरमियान में लोहे की सनअत भी लगाई गई, फौलाद की सनअत भी लगाई गई, पेट्रोलियम और बिजली से अशिया जो बनाई जाती हैं इसकी सनअतें भी लगाई गई। कब, 1961 से 1970 के दरमियान में लोहे की, बिजली बनाने की, पेट्रोल की और जो है वो इंजीनियरिंग की, जो आपके पास इंजीनियरिंग गुड्स चीज़ें होती हैं, गाड़ी के पुर्जे वगैरह, ये तमाम सनअतें पहली दफ़ा 1961 से 1970 के दरमियान में लगाई गई। तो प्यारे बच्चों ये बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। तो इसे कॉपी कर लें जल्दी से आप लोग, ठीक है, कॉपी कर लिया आप लोगों ने, सही। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हैं आप लोगों को, ठीक है, वेरी गुड। सो इसके बाद देखिए आप लोग 1970 तक पढ़ लिया ना हम लोगों ने, अब इसके बाद 1977 के दरमियान में क्या हुआ प्यारे बच्चों। ये जो ज़माना था ये बहुत ही ज़्यादा जवाल पजीर था, क्योंकि 1971 से लेकर 1977 के दरमियान में जो सनअतें हैं उन्होंने तरक्की नहीं की बल्कि और ज़्यादा पीछे की जानिब चले गए। उसकी वजह ये थी, पीछे की जानिब जाने की वजह ये थी कि उस ज़माने में सैलाब आया था, सैलाब की वजह से जो तमाम सनअतें थी वो बेकार हो गई थी, और बेकार होने की वजह से जो सरमायाकारों ने पैसे लगाए थे वो उनके पैसे क्या हो गए थे, ज़ाया हो गए थे। तो प्यारे बच्चों 1971 से 1970 के दरमियान का जो आपका फासला रहा, साल रहे सनअतों के लिहाज से, इसमें बहुत ही ज़्यादा जवाल पजीर थे, इसमें सनअतों ने तरक्की नहीं की बल्कि और ज़्यादा नुकसान इनको हुआ। तो क्या लिखते हैं, सनअतों के जवाल का ज़माना, सनअतों के जवाल का ज़माना। इसके बाद सनअतों के जवाल के समाने के बाद प्यारे बच्चों सनअती शोबे की शरह 3% रह गई, कितनी रह गई, सनअती शोबे की शरह
3% रह गई। प्यारे बच्चों सनती शोबे की शरह कितनी फ़ीसद रह गई थी? 3%, यानी वो जो 12% 1970 से पहले मौजूद थे आपके शोबे, वो 1970 में जो सैलाब आया उसकी वजह से 12% से कितने फ़ीसद रह गए? सिर्फ 3% रह गए, और सबसे ज़्यादा सनती इसमें जवाल पजीर रहें। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो 1970 तक आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, तो 1970 के बाद 1978 से 1978 था 1997 1978 से 1997 तक प्यारे बच्चों ये जो ज़माना था ये भी जवाल पसीर था, क्योंकि इसमें भी सनतों ने ज़्यादा तरक्की नहीं की। तमाम के तमाम जो कपड़े की सनत है, आटा बनाने की सनत है, ये तमाम के तमाम सनतें निजी इदारों ने ले ली। निजी यानी प्राइवेट इदारों ने ले ली। गवर्नमेंट इदारों से किसके पास आ गए? सरकारी इदारों से किसके पास आ गए? निजी यानी प्राइवेट इदारों के पास आ गए। प्राइवेट इदारों ने इसको ले ली। लेकिन 1989 में इसकी शरह 3% से 8% तक पहुँच गई। लेकिन 1989 के बाद दोबारा से ये ज़माना है, ये सनतों का जो तरक्की आती दौर है, ये दोबारा से जवाल पजीर होना शुरू हो गया। 1989 के बाद दोबारा से जो सनतें हैं वो कम तादाद में होना शुरू हो गई, क्योंकि जो सनतें चल रही थी वो किस बलबूते पे चल रही थी? प्राइवेट इदारों के बलबूते के ऊपर चल रही थी। सही है, बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 1997 के बाद ये क्या रहा? मुल्क की मईशियत जवाल था, मुल्क की मईशियत का मजमूई जवाल था। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। सो इसके बाद प्यारे बच्चों 1998 से 2013 के दरमियान में क्या क्या वाकयात पेश आए? कब? 1998 से 2013 1998 था 2013। 1998 से 2013 के दरमियान में क्या क्या वाकयात पेश आए? तो प्यारे बच्चों 2004 में सनती शोबे में 2004 में सनती शोबे में अठारह फ़ीसद की शरह नमू का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तमाम बच्चों को बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो प्यारे बच्चों कह रहे हैं 1998 से 2013 के दरमियान का जो फासला था इसमें सनतों ने तरक्की की, सनतें जवाल पजीर नहीं हुई, बल्कि 2004 में इसकी शरह 3% से 8% से होकर 18% हो गई। 18% की शरह जो है वो रिकॉर्ड की गई, यानी सबसे ज़्यादा जो ज़माने में सबसे ज़्यादा सनतें लगाई गई, सबसे ज़्यादा सनतें रिकॉर्ड की गई, वो कौन से दौर में की गई? 2004 में सनतें जो है वो रिकॉर्ड की गई। सही है, उसके बाद 2007 में दोबारा से इसकी सनती शोबे जो है वो कम तादाद में होना शुरू, और सनतों की 18% से 3% रह गई। इसके बाद हमारे पास में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो सनती तरक्की में जो सबसे ज़्यादा तादाद में आपके पास सनतें मौजूद थी, जिनमें सबसे ज़्यादा पैदावार की जा रही थी, लोहे और फौलाद की सनत, ये भी जो है वो जवाल की शक्ल में जो है वो गिरती हुई नज़र आई, यानी ये भी जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आई। ठीक है, तो 2004 में सबसे ज़्यादा शरह रही, 2007 में जो है वो 9% शरह हो गई, और लोहे फौलाद की सनत जिस हिसाब से सबसे ज़्यादा पैदावार की जाती थी, कपास की जो सनत थी इससे जो सबसे ज़्यादा पैदावार की जाती थी, ये भी जवाल की तरफ जाती हुई नज़र आई। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इन्होंने तरक्की करना शुरू कर दी, लेकिन फिर उसके बाद तरक्की के बाद दोबारा से जवाल की तरफ आना
शुरू हो गई। पाकिस्तान को जो है वो सनतों के लिहाज से पाकिस्तान आज के दौर में भी सबसे पीछे है। सनतें पाकिस्तान में लगाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ये तमाम बच्चों को बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। सो प्यारे बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 18 ओपन कर लीजिए जल्दी से, ठीक है? तो जल्दी से इसे कॉपी कर लें आप लोग, ठीक है? कॉपी कर लिया, सही। इसके बाद हम देखेंगे पाकिस्तान में सनतों की इकसाम कितनी है और कितनी तादाद में पाकिस्तान में सनतें पाई जाती है। तो ये वाला भी टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है। सो कौन सा टॉपिक स्टार्ट हुआ? पाकिस्तान में सनतों की, इकसाम, पाकिस्तान में जो सनतें हैं वो कितनी तादाद में पाई जाती हैं उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, पाकिस्तान में जो सनतों की इकसाम है वो 3 इकसाम की पाकिस्तान में सनतें पाई जाती है, सही है? छोटी सनत, घरेलू सनतें, छोटी सनतें और बड़ी सनतें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं घरेलू सनतों के बारे में। किसके बारे में? घरेलू सनतों के बारे में। ये कौन सी सनतें होती हैं प्यारे बच्चों? घरेलू सनतें ऐसी सनतें होती हैं जो कि आम घरों के अंदर जो है वो घरों के अंदर लगाई जाती हैं। इससे घरों में काम करने वाले लोगों को रोज़गार मिल जाता है। जैसे ख़वातीन होती हैं वो घर से बाहर जाकर काम नहीं कर सकती, तो ऐसी ख़वातीन या ऐसे मर्द जो कि मज़दूर हैं जो घर से बाहर जाकर काम नहीं कर सकते, तो वो घर में जो है वो कोई काम करते हैं, वो तमाम की तमाम सनतें क्या कहलाती हैं? घरेलू सनतें। इन सनतों के लिए आपको बहुत ही कम सरमाए की ज़रूरत होती है, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके इसको बआसानी अपने घर में चला सकते हो। तो प्यारे बच्चों, घरेलू सनत क्या होती है पता चल गई, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, मुख्तसर सी जो है सरमाएकारी की ज़रूरत होती है, कितने? मुख्तसर से सरमाएकारी, सरमाएकारी यानी इन्वेस्टमेंट, ठीक है? ज़रूरत होती है। मुख्तसर से सरमायाकारी की क्या होती है प्यारे बच्चों? ज़रूरत होती है। बहुत ही कम सरमायाकारी करके बहुत ज़्यादा जो है वो ये पैसे कमा सकते हैं, घर में रहकर जो है वो काम कर सकते हैं, ठीक है? मसलन मिसाल के तौर पे कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है, वो आपको बता देते हैं। मसलन फर्नीचर सादी, कालीन बाफी, फर्नीचर सादी, लकड़ी से जो है फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं कारखानों में, घरों में, सही है? कौन सी सनतें कहलाती हैं? घरेलू सनतें कहलाती हैं। तो फर्नीचर सादी, कालीन वगैरह बनाते हैं जी, वो भी कौन सी सनत में आती है? इसी सनत में आती है, कालीन साजी। इसके अलावा और भी जो है बहुत सारी सनतें घरेलू सनत में शुमार की जाती हैं, आपके पेज नंबर 18 पे मौजूद हैं, आप इसको रीड कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद जो है वो दूसरी सनतें छोटी सनतें। कौन सी सनतें हैं? छोटी सनतें। छोटी सनतों में क्या होता है? छोटी सनतों में आपको 15 से 20 मज़दूर की ज़रूरत होती है और आप एक कारखाने की शक्ल में जो है वो इसमें काम करते हो, और आपको कुछ लाख से लेके 1 करोड़ सरमाएकारी की यानी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। उसमें आपके पास 15 से 20 मज़दूर काम कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो बना रहे होते हैं, किसमें? कारखानों में बना रहे होते हैं या फिर फैक्ट्री के अंदर काम करके बना रहे होते हैं। तो आपको कुछ लाख से लेके 1 करोड़ के सरमाएकारी की इसके अंदर ज़रूरत होती है, और इसमें 15 से 20 मजदूर इसमें काम कर रहे होते हैं, और सारा काम किससे किया जाता है? हाथ से किया जाता है। तमाम बच्चों को छोटी सनतें क्या होती हैं क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। तो चंद लाख से 1 करोड़ तक के सरमाए की जरूरत होती है, कितने? चंद लाख से 1 करोड़ सरमाए, 1 करोड़ के सरमाएकारी की ज़रूरत होती है। प्यारे बच्चे, इसमें कौन कौन सी सनतें आ सकती हैं वो सनतें देख लीजिए। इसमें आ सकती हैं आपके पास सनतें,
चंद लाख से लेकर 1 करोड़ सरमाई की हरी ज़रूरत होती है, 15 से 20 मजदूर की ज़रूरत होती है, तमाम के तमाम मजदूर हाथ से काम कर रहे होते हैं। ठीक है, मसलन के तौर पर मसलन कौन कौन सी सनत आ सकती है आपकी, खेलों का सामान, ठीक है, जो आपका खेलों का सामान बनता है, बैट बॉल वगैरह, ये तमाम चीज़ें खेलों का सामान, आपकी गाड़ियाँ हो गई रिमोट वाली, वो चीज़ें खेलों का सामान, फुटबॉल वगैरह ये चीज़ें भी आ सकती हैं, और इसके अलावा खेलों का सामान और शीशा बर्तन साजी वगैरह, बर्तन साजी जहाँ पे बर्तन बनते हैं, ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी सनतें आ सकती हैं आपके पास, जो है वो पेज नंबर 19 पे मौजूद हैं, आप तमाम के तमाम बच्चे देख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों लास्ट में आपकी तीसरी सनत आती है, तीसरी सनत है बड़ी सनतें, कौन सी है, बड़ी सनअतें, इसमें काफ़ी सारे मज़दूरों को, काफ़ी सारे काम करने वालों को रोज़गार मिलता है, और ये तमाम की तमाम सनअतें रन करती हैं बड़ी बड़ी मशीनरीज़ के ज़रिए, बड़ी बड़ी मशीनरीज़ के ज़रिए रन की जाती है, और तमाम की तमाम मशीनरीज़ जो है वो बिजली से चलती हैं, और तमाम की तमाम मशीन जो है वो बिजली से काम कर रही होती हैं, और बिजली से जो है वो मशीनें चलती हैं, और मशीनों से जो है वो काम किया जाता है, और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है वो बनाई जाती हैं। तो प्यारे बच्चों तमाम की तमाम सनअतें जो है वो इसके आती है, और काफ़ी सारे बेरोज़गारों को इस सनत के ज़रिए, जो बड़ी सनतें हैं इनके ज़रिए क्या मिलता है, कारोबार मिलता है। तो प्यारे बच्चों बात क्लियर हो गई, ठीक है, तो सैकड़ों हज़ारों मेहनत कशों का रोज़गार का ज़रिया, ठीक है, हज़ारों की तादाद में लोगों को जो है वो इसमें रोज़गार मिलता है, हज़ारों की तादाद में लोग काम कर रहे होते हैं, और तमाम की तमाम मशीनें लगी हुई होती हैं, और तमाम की तमाम मशीनें किस से काम कर रही होती हैं, बिजली से चल रही होती हैं, और तमाम का तमाम काम बिजली से मशीनों के ज़रिए किया जा रहा होता है। मिसाल के तौर पर इसमें कौन कौन सी सनतें आ सकती हैं, इसमें आपकी शक्कर की सनत आ सकती है, इसमें आपकी लोहे फौलाद की सनत आ सकती है, इसमें आपकी बहुत सारी सनतें पेज नंबर जो है वो 20 के ऊपर दी गई हैं, आप ये तमाम की तमाम सनतें देख लीजिएगा। चीनी की सनत, सूती ऊनी कपड़े की सनत, लोहे फौलाद की सनत, कीमे खाद की सनत, मोटर गाड़ियों की सनत, ठीक है, ये तमाम सनतें किसमें आती हैं, बड़ी सनतों के अंदर आती हैं। तो प्यारे बच्चों आपको घरेलू सनतें, छोटी सनतों और बड़ी सनतें क्लियर है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो पाकिस्तान की सनतों को कितनी किस्म में तकसीम किया गया, तीन सनतों की किस्म में तकसीम किया गया, पहली घरेलू सनतें, दूसरी छोटी सनतें, और तीसरी बड़ी सनतें। तो प्यारे बच्चों आपको बात क्लियर हो गई, वेरी गुड, सो जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। तो आई होप आम लोगों ने आज जितना पढ़ा वो तमाम के तमाम लोगों को क्लियर हो चुके होंगे, सही है। सो अब इसके नेक्स्ट पेज पर आप लोग क्लास वर्क की हेडिंग डालिए, और जल्दी से कॉपीज़ ऑफ खाली जगह की हेडिंग डालिए, और ख़ाली जगह बना लीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, क्लास वर्क की हेडिंग डालने के बाद खाली जगह की हेडिंग डालेंगे, और क्या करेंगे, खाली जगह पर करें, कितने खाली जगह बनाएंगे, 3 खाली जगह बनाएंगे, जितना आज हमने स्टडी किया पेज नंबर 15 से लेके पेज नंबर 20 तक, आज हमने जितना भी स्टडी किया उसमें से आपको कितने खाली जगह बनानी है, 3 खाली जगह बनाएं, ठीक है, बना लिया आप लोगों ने ब्लैंक्स। तो अब हम देख लें ज़रा सवालात जवाबात की तरफ आ जाएं, ठीक है। तो हम लोग अब सवालात और जवाबात की तरफ आ जाते हैं कि हमें आप लोगों को काम क्या करना है। तो सवालात और जवाबात की हेडिंग डाल लीजिए, सवालात के जवाबात दीजिए। पहला सवाल है जो कि आप करेंगे, पहला सवाल है आपके पास घरेलू छोटी और बड़ी तीनों घरेलू छोटी और बड़ी तीनों सनअतों की 5-5 इकसाम भी आते हैं, 5-5 इकसाम
बयान कीजिए। प्यारे बच्चों, बात समझ में आई क्या करना है आप लोगों को? वेरी गुड। क्या करना है? घरेलू, छोटी और बड़ी सनतों की तीनों की 5-5 इकसाम बयान करनी है। बयान नहीं करनी, सिर्फ मिसालें देनी हैं। क्या करनी है? मिसालें दीजिए लिख लेते हैं हम, ठीक है? बयान कीजिए हटा कर मिसालें दीजिए। पांच पांच मिसालें दीजिए, ठीक है? इकसाम भी मिटा देते हैं। ठीक है, तो शोर इस वजह से आ रहा है प्यारे बच्चों, तो बाहर जो है वो गाड़ियाँ वगैरह भी चल रही हैं, गाड़ियों के साथ साथ, ठीक है, तो थोड़ा शोर वगैरह भी आ रहा है। शोर इसलिए आ रहा है, उधर जो है वो फैक्ट्री वगैरह भी चल रही है, तो उसके लिए जो है माजरत करते हैं आपके साथ, ठीक है? तो शोर वगैरह आ रहा है, तो कॉपरेट कीजिए आप लोग, ठीक है? तो ये सवाल कर लीजिए, घरेलू और छोटी बड़ी तीनों सनतों की 5-5 मिसालें दें। तो दूसरा सवाल देख लीजिए आप लोग, किसी मुल्क की तरक्की में घरेलू सनअतें किस तरह, घरेलू सनअतें किस तरह, घरेलू सनअतें किस तरह अपना किरदार अदा करती हैं, अपना किरदार अदा करती हैं, अपना किरदार अदा करती हैं, किरदार अदा करती हैं हमारे मुल्क के देही पसमानदी, हमारे मुल्क के देही पसमानदी इलाकों की खुशहाली के लिए किन घरेलू सनतों को फ़रोग देने की ज़रूरत है? किन घरेलू सनतों को फ़रोग देने की ज़रूरत है? प्यारे बच्चों, क्या बताना है आप लोगों को? किसी मुल्क की तरक्की में घरेलू सनअतें किस तरह अपना किरदार अदा करती हैं? सही, मुल्क की तरक्की में घरेलू सनअतों का क्या किरदार होता है कि भाई जो घरेलू में जो सनअतें बनाई जाती है, कालीन बाफी की जाती है, इसके अलावा और दीगर जो सनअतें बनाई जाती हैं वो अपना किरदार किस तरह से अदा करती है बताएँगे आप, और इसके अलावा आप बताएँगे हमारे मुल्क के देही पसमानदी इलाके यानी आपके जो गाँव वाले इलाके हैं वहाँ पर इलाकों की खुशहाली के लिए यानी उन इलाकों की खुशहाली के लिए उन इलाकों में कौन सी सनतें घरेलू सनतें लगाने की ज़रूरत है, कालीन बाफी की या फिर शीश शादी की, कौन सी सनतें लगाने की ज़रूरत, फर्नीचर शादी, कौन सी सनत लगाने की ज़रूरत है वो आपको यहाँ पर बता देना है। तो प्यारे बच्चों, हो गया आपका क्लास वर्क, अब ले लीजिए अपना होमवर्क, जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको, ठीक है? इसके बाद होमवर्क देख लीजिए, होमवर्क में क्या करेंगे आप लोग? होमवर्क में आपका बिल्कुल जो है वो एक छोटा सा काम है जिसमें आपको एक चार्ट बनाना है, उसमें जो है मालूमात लिखनी है। सो चार्ट में आप क्या करेंगे, सवाल लिखेंगे पहले घरेलू छोटी और बड़ी सनअतों के दरमियान फ़र्क बयान कीजिए, फ़र्क बयान
कीजिए, ठीक है। आप ये सवाल लिखेंगे, उसके बाद बनाएंगे नीचे एक चार्ट। चार्ट किस तरह से बनाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। आप इस तरह से, ये पूरा पेज है आपका, लाइन हमारी टेढ़ी हो गई, सॉरी, तो हम सीधी कर लेते हैं, ठीक है। हमने कर ली अपनी लाइन सीधी, ठीक है। सो यहाँ से भी लाइन खींचेंगे और यहाँ से भी आप जो है वो लाइन खींच देंगे, ठीक है। और उसके बाद तीन कॉलम बनाने हैं इसमें हमें, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। पहले कॉलम में लिखेंगे घरेलू सनअतें, क्या लिखेंगे? घरेलू सनअतें। दूसरे कॉलम में लिखेंगे छोटी सनअतें और लास्ट में छोटी सनअतें और लास्ट में बड़ी सनअतें, ठीक है। इस ये लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इसके नीचे खींच देंगे एक लाइन। तो जो घरेलू सनअतें हैं उसके दरमियान, छोटी सनअतों के दरमियान और बड़ी सनअतों के दरमियान क्या क्या फ़र्क पाए जाते हैं, वो तमाम के तमाम घर फर्क बयान करना है। पहला फ़र्क, चंद लाख रुपए की सरमायाकारी की जो है वो ज़रूरत होती है, कुछ लाख से एक करोड़ के सरमायाकारी की ज़रूरत होती है। ज़्यादा जो है वो हज़ारों मेहनत कशों को काम करने वालों को ज़रूरत जो है वो मिल सकती है। इतना फ़ीसद हिस्सा घरेलू सनअतों पर मुश्तमिल है, इतना फ़ीसद जो है वो छोटी और इतना फ़ीसद बड़ी सनअतों पर मुश्तमिल है। इस तरह से वो बहुत सारे इनके लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, होमवर्क में क्या काम करना है आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। तो आप लोग बुक में देखिएगा और बुक में चार्ट देखिएगा, इसके अलावा आप लोगों को जो मालूम पता हो वो इस चार्ट के अंदर मैनेज कर लीजिएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, एक काम कीजिए, तमाम बच्चे अपना